नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड वाइब्स की नीम तुलसी प्यूरीफाइंग फेस स्क्रब। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीक मैंने जो वीडियो शेयर किया था purple.com से, मैंने कुछ स्किन प्रोडक्ट जो है वो परचेस किए थे, उसी में से ये मेरा पहला प्रोडक्ट है जिसका मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ purple.com पर ही मिलते हैं। अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप इसे उस लिंक पर जा कर के परचेस कर सकते हैं। और इसकी जो कीमत है वो है 137 और इसका जो पैक है वो है 50 ग्राम का। पैकेजिंग इसकी जो है, इसका जो कंटेनर है वो प्लास्टिक का कंटेनर है। पहले जो गुड वाइब्स का जो प्रोडक्ट आता था, जो स्क्रब आता था, वो ग्लास कंटेनर में आता था, लेकिन अभी जब मैंने इसे परचेस किया है तो ये पूरा जो है वो प्लास्टिक कंटेनर में है इस तरह से। और ये अंदर से भी कुछ इस तरह से पैकिंग में आता है। इस स्क्रब का जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर है, आप इसे देख सकते हैं। मैं इसे इतना यूज़ कर चुकी हूँ। इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू है। बिल्कुल नीम और तुलसी की पत्तियों की तरह इसमें से जो है वो खुशबू आती है। गुड वाइब्स का ये जो स्क्रब है वो है नो पैराफिन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री, यानी कि इसका जो है वो किसी भी जीव जंतु पर यह टेस्टेड नहीं है। बात करते हैं इसके रिजल्ट की, तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये नीम और तुलसी से बना है तो ऑल स्किन टाइप से है, सभी स्किन वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे पर हल्के हल्के जो रैशेज होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, वो भी चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीक है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। यदि स्क्रब को आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे पर जो धूल मिट्टी, जो डर्ट जमी है, जो ऑयल ग्लैंड्स में जो ब्लैक हेड्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से रिमूव हो पाएंगे। स्क्रब करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से फेस वॉश कर ले। मैंने भी अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया और स्क्रब करने के लिए यहाँ मैं अपने चेहरे को अच्छे से वेट कर रही हूँ, अच्छे से गीला कर रही हूँ, ताकि जो स्क्रब है वो अच्छे से हो पाएगा। ब्लैक हेड से सबसे ज़्यादा नाक के आसपास और चीक पर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर अच्छे से स्क्रब करें हल्के हाथों से। इसी तरह फिंगर टिप्स की मदद से हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में पूरे चेहरे पर अच्छे से मसाज करें। स्क्रब करते हुए अपने फेस को पूरा कवर करें। इससे होगा ये कि स्क्रब के साथ साथ आपके फेस की मसाज भी होगी, जिससे कि आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आएगा। नीम बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें ऐड है तुलसी। तुलसी जो है वो चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। आफ्टर फेस वॉश आप इसका रिजल्ट मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। मेरी स्किन एकदम साफ हो चुकी है, एकदम क्लीन नजर आ रही है। गुड वाइब्स की जो स्क्रब है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसे यूज़ करने के बाद आपके चेहरे की स्किन एकदम स्मूथ और एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आपके चेहरे पर जमने वाली धूल मिट्टी और जो भी डेड सेल्स हैं जो हमारे चेहरे पर जमा हो जाती है, उसे ये बड़ी आसानी से रिमूव करता है। यह मेरी स्किन पर तो काफ़ी अच्छा सूटेबल है, लेकिन सभी की स्किन का टाइप अलग अलग होता है। हो सकता है किसी की स्किन पर ये ना भी सूट हो, इसीलिए जब भी आप इसे यूज़ करें तो एक बार इसका पेज टेस्ट करके देख ले। वैसे तो ये हर्बल है, नीम तुलसी युक्त है, तो इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन स्क्रब करते वक्त आप जब भी स्क्रब करें तो एकदम हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और इसका जो रिजल्ट है वो आपके चेहरे पर काफ़ी अच्छा आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली और भी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।